अस्सलाम वालेकुम। आज अर्ली मॉर्निंग हमें निकलना पड़ा है कुछ काम के सिलसिले में, और बच्चों को आपको पता है वेकेशन हो चुकी हैं, बच्चे घर पे हैं, मैं और हस्बैंड हैं बाहर। सो अल्लाह पाक खैर खैरियत से सबके मामलात करें, आमीन सुमा आमीन। मौसम देखिए, बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं आज। फिर देखिए कितना सनी डे है, और माशाल्लाह से नहीं पता नहीं है, मैं माशाल्लाह एक तो कहना ही चाहिए, लेकिन फिर भी ये टाइम जो है ये स्नो का टाइम है, और स्नो का कोई अता पता नहीं है अभी टर्की में, सॉरी इस्तांबुल में। टर्की में तो खैर हो रही है, स्नो पड़ रही है, और इस्तांबुल में बहुत कम, लास्ट वीक एक बार पड़ी थी, उसके बाद से अब तक नहीं है कोई पता। मौसम कितना साफ है, बादल देखें जरा, आसमान बहुत खूबसूरत लग रहा है ना, सुभान अल्लाह। कीप लेफ्ट और कीप राइट। सो गाइज, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके आइए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं और आप क्या देखना चाहते हैं। जज़ाकअल्लाह खैर फॉर योर सपोर्ट। अच्छा जी, जिस काम के लिए हम लोग गए हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था अल्लाह पाक के करम से, और अब हम लोग वापस घर की तरफ जा रहे थे, और थोड़ी सी वीडियो आप लोगों के लिए। गाइज, आज मैं बना रही हूँ अपने लिए, जस्ट अपने लिए ब्रोकली, और इसको मैंने गर्म पानी में बॉईल करने के लिए डाला है। बस ये एक सेकेंड या दो सेकेंड में इसको मैं बाहर निकालूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं इसको रखना, हमें ये थोड़ी फ्रेश फ्रेश ही चाहिए। सो इनफ है, मेरा टाइम हो चुका है, मैं इसको बाहर निकालने लगी हूँ। अच्छा, फिर मैंने इसको स्ट्रेनर में डाल लिया, और ये देखें कितनी मज़े की हो गई है। खा तो हम इसको ऐसे भी सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसको ऑलिव ऑयल में थोड़ा सा सॉटे कर लूँगी, इसके ऊपर ब्लैक पेपर और ओरिगैनोस डाल दूँगी, और साथ में बेजल लीव्स डाल दूँगी, और बहुत टेस्टी लगेगी। और आपको वैसे भी पता है ये फुल ऑफ फाइबर है, और स्किन के लिए बहुत अच्छी है, उसके अलावा ये आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छी है। जब आप लोग स्पेशली जब डाइट पर हों तो फिर ऐसी वेजिटेबल्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, आपकी जो भी कमियां हैं बॉडी में उन सबको दूर करने के लिए ज़ाहिर है डाइट भी अच्छी रखनी पड़ती है। सो बॉयल वेजिटेबल्स बहुत अच्छी ना। मेरा एयर फ्रायर रेडी हो चुका है, और मैं साथ में फ्राइज़ बनाने वाली हूँ, और ब्रोकली मेरी ऑलमोस्ट रेडी है। फ्राइज़ थोड़ी सी चीट मील तो होना ही चाहिए ना, बच्चों को भी चाहिए थी, तो मैंने कहा मैं भी साथ यही खाऊँगी अब। सो फ्राइज़ अंदर जा चुकी हैं। बस हमें क्या करना है, हमें वेट करना। 2-3 ड्रॉप्स मैंने ये ऑयल लिया है, ठीक है, ये देखें जस्ट इतना सा ऑयल लिया है, उसमें पानी है, मुझे वो ड्राई नहीं हुआ, तो बस 2-3 ड्रॉप्स आप समझते हैं हाफ टेबल स्पून के आसपास ऑयल है। और इसमें अब मैं ऐड कर दूंगी ब्रोकली, और उसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट, ब्लैक पेपर, एंड आप फ्लेवर के लिए इसमें चीज़ भी थोड़ा ऐड कर सकते हैं, अगर जो लोग नहीं लाइक करते तो वो अपनी पसंद का कोई भी ऐसा फ्लेवर ऐड कर सकते हैं जिसकी वजह से वो इजीली इसको खा सकें। तो ये हमारी जा रही है इसमें ब्रोकली, ये देखें, अब इसको 2 मिनट के लिए सॉटे करना, मेक श्योर ये नीचे ना लगे। सो ऑलमोस्ट हमें 1.5 मिनट हो गया वह इसको सॉटे करते हुए, और अब इसके बाद मैं इसमें ऐड करने लगी सॉल्ट पेपर। तो सॉल्ट और पेपर मेरे पास रेडी है, बस आपको अंदाजे से ही ना थोड़ा सा जितना भी आपको चाहिए उतना आपको डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, बिकॉज स्पाइसेस हम नहीं इतना ऐड करना चाह रहे।
एंड अ लिटिल बिट ऑफ साल्ट। मेरी देखें प्लेट रेडी हो चुकी है। ये है मेरी लंच प्लेट कह लें आप इसको, और इवनिंग स्नैक्स भी बोल सकते हैं, बिकॉज अब टाइम जो है 3:00 ऑलमोस्ट हो चुके हैं, 3 बज रहे हैं। और ये है मेरी प्लेट आज की। बच्चों को मैं दे के आई हूँ फ्राइज। सो ये करके दिखाओ। मुझे लग रहा था कि जो ब्रोकली है वो अच्छी तरह से नहीं वो हुई है, मतलब सॉफ्ट नहीं हुई है। सो मैं इतनी सॉफ्ट करके ही खाती हूँ। सो मैंने उसको फ्राइज़ के साथ ही एयर फ्रायर में रख दिया था, और अब जो है मैं इनको निकालती हूँ। जी तो गाइस, डिनर में हम लोगों ने चिकन रोस्ट किया था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा कि आप कैसी वीडियो देखना चाहते हैं और आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। जज़ाकअल्लाह खैर। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके आइए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को और फ़लस्तीन के मुसलमानों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक उन्हें फ़तेहयाब करे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।